गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत जनित्र। जनित्र मतलब एक ऐसी युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। देखो, हम पढ़ चुके हैं कि कोई चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कोई चुंबकीय क्षेत्र जब उसमें कोई चालक रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हम उसी प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या, जब किसी चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखो, ये विद्युत जनित्र है, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करनी है। तो इसका मतलब है यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करेगा। मतलब क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, क्योंकि हमने तो विद्युत उत्पन्न करनी है ना। तो अब विद्युत उत्पन्न कैसे होगी, तो उसके लिए हमें चाहिए चालक और उस चालक के आसपास चाहिए हमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई चुंबक होनी चाहिए जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी, और हमारे पास चालक भी होना चाहिए। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या विद्युत जनित्र, क्या क्या पढ़ेंगे हम। हम पढ़ेंगे कि विद्युत जनित्र होता क्या है, मतलब उसकी परिभाषा, उसका सिद्धांत पढ़ेंगे। विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं, उसकी बनावट क्या है और उसकी कार्यविधि क्या है। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। विद्युत जनित्र क्या है? देखो, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है। कैसी युक्ति? अभी एक ऐसी युक्ति, या ये कह लो कि एक ऐसा यंत्र है, ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, देखो मोटर में हमने पढ़ा था, मोटर जो होती है हम उसमें करंट सप्लाई करते हैं, मतलब उसमें हम विद्युत धारा देते हैं और उसमें कोई ना कोई चीज रोटेट करना शुरू कर देती है। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जबकि विद्युत जनित्र में क्या होता है, इसका उल्टा हो रहा है। हम इसको, इसमें जो कुंडली होगी मतलब चालक होगा, उसको घुमाया जाएगा। अब वो घुमाएंगे तो हम उसको यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो यांत्रिक ऊर्जा, और फिर जब वो यांत्रिक ऊर्जा उसको देते हैं तो वो ऊर्जा बदल जाएगी किसमें, विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जनित्र क्या करता है, हमें विद्युत देता है। तो क्या हो गया, विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, अब ये सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है, इस सिद्धांत के ऊपर कार्य करेगा। और ये सिद्धांत क्या कहता है, कल ही हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, कि जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब उसमें हमने सीख लिया था कि चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होना चाहिए, तभी उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं होगा तो कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो चालक होना चाहिए और हमारे पास एक चुंबक होनी चाहिए जो विद्युत, जिसके चुंबकीय क्षेत्र में हम चालक को रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्या जो सिद्धांत होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर ये आधारित है। अब हम क्या पढ़ते हैं, देखो प्रकार, दो प्रकार के विद्युत जनित्र होते हैं। एक होता है डीसी विद्युत जनित्र। डीसी मतलब जो डायरेक्ट करंट बनाता है, दिष्ट धारा पैदा करने वाला विद्युत जनित्र। और एक होता है एसी विद्युत जनित्र, जो पैदा करता है क्या, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कह सकते हैं। तो डीसी जनित्र और एसी जनित्र, दो प्रकार के विद्युत जनित्र होते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम इसकी बनावट। देखो, मैंने बताया कि किसी चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो अब हमें कोई चालक चाहिए और एक चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो हमारे पास चालक क्या है, ये एक कुंडली है हमारे पास, ए बी सी डी, ये कुंडली है इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई। मतलब कोई भी, जरूरी नहीं कि कॉपर वायर हो, कोई दूसरा वायर भी हो सकता है, लेकिन ये इंसुलेटेड है। तो इसमें मैंने तो एक कुंडली को बना के दिखाया है, इसमें बहुत सारे टर्न
बना दिए जाते हैं और इसके इसको लपेट दिया जाएगा किसी लो सॉफ्ट मतलब मुलायम लोहे के टुकड़े पे। ये तो होगी कुंडली मतलब चालक जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न होनी है। और अब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र जो परिवर्तित होगा, तो ये हमने रख दिए इसमें दो चुंबक के ध्रुव रख दिए, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये यू शेप मैग्नेट हो सकती है, यू शेप मैंने सिर्फ आगे वाले हिस्से बनाए हैं, ये ऐसे से ऐसे टर्न करके ये ऐसे हो सकती है, मतलब ये यू शेप मैग्नेट बनाई गई है। ठीक है भाई, इस चुंबक के दो सिरों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनके बीच की दूरी समान होगी। कहेगा मतलब क्या है, इन दोनों सिरों के बीच इन दो चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल समान होगा, एक समान होगा सभी जगह पे। अब ये रख दी कुंडली, इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसकी बनावट में बता रहा हूं, ये तो चुंबक के दो ध्रुव उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, ये दोनों सिरे किसी यू शेप मैग्नेट के हो सकते हैं या फिर कोई विद्युत चुंबक भी हो सकती है। ये एक कुंडली ए बी सी डी जो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र में रख दी जाती है। इससे आगे ये दो वलय के साथ जुड़े होते हैं जिसमें दो वलय होते होंगे, दो वलय क्या होंगे मैं आगे बताऊंगा, वो अभी बना दूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, मैं साथ के साथ बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये बनावट है किसकी, विद्युत जनित्र की। अब कार्य विधि देखो, कार्य कैसे करेगा। अब ये कुंडली है मतलब क्या है, ये चालक है, किसमें रखा है चुंबकीय क्षेत्र में, लेकिन मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, क्या इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी, नहीं इसमें कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। जब तक इस कुंडली के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं होगा तब तक इसमें कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, या तो चुंबक अपनी जगह से विस्थापित हो या फिर ये कुंडली अपनी जगह से विस्थापित हो, तब जाके इस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हम क्या करेंगे, ये तो भाई मैग्नेट है, ये तो परमानेंट मैग्नेट हमने फिक्स कर दी, ये मूव नहीं करेंगी, तो लेकिन ये जो कुंडली है ये कुंडली होगी जो मूव करती है। ये कुंडली क्या होती है, ये एक ऐसी होती है जिसको एक रोड के ऊपर इसको लपेट दिया जाता है, ये यहाँ पे एक रोड होती है ऐसे, तो इस रोड के ऊपर ये कुंडली सटी होती है, तो वो रोड अगर हम घुमाएं किसी भी तरीके से घुमाएं इस रोड को, तो साथ में ये कुंडली भी घूमती है, और जब ये कुंडली घूमेगी तो इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाएगा और इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब इस कुंडली को कैसे घुमा सकते हैं, इस कुंडली को घुमाने के अलग अलग तरीके हैं, या तो भाई इस कुंडली को हम जोड़ दें किसके साथ, किसी टरबाइन के साथ जोड़ दें और उस टरबाइन को चलाएं, किससे भाप से चला सकते हैं या फिर किसी ये इंजन से चला सकते हो आप। जैसे मान लो ये कुंडली है और इसको घुमाना है, तो इस कुंडली को हमने जोड़ दिया किसके साथ, एक टरबाइन के साथ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आप लोगों की कुंडली है ये वाली, और ये ऐसे इसको जोड़ दिया है किसी टरबाइन के साथ, ये टरबाइन है, इसके ये ब्लेड है, तो ये अगर टरबाइन घूमती है तो साथ में ये कुंडली भी घूमेगी। अब ये टरबाइन को घुमाने के अलग अलग तरीके हैं, अगर हम इस टरबाइन को थर्मल पावर प्लांट में ले जाए या मतलब थर्मल पावर प्लांट में देखे, तो वहां पे क्या होगा, कोयले को जलाया जाएगा, पानी को गर्म किया जाएगा और पानी से जो भाप बनती है उस तेज भाप को इसके ऊपर डाला जाता है जिससे टरबाइन घूमती है और साथ में कुंडली भी घूमती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, थर्मल पावर प्लांट की। दूसरा, आप इस टरबाइन को पवन ऊर्जा से भी घुमा सकते हो, मतलब जो हम पवन चक्की लगाते हैं बड़े बड़े ब्लेड लगा देंगे तब वो हवा से घूमती है, तो उसको इस टरबाइन से जोड़ देंगे तो ये भी साथ में घूमेगी, साथ में कुंडली भी घूमेगी, और ये कुंडली घूमेगी तो इसके साथ ये मैग्नेट भी होती है, तो ये क्या करेगी, ये तो विद्युत उत्पन्न करेगी। ठीक है, और इसके अलावा कौन से तरीके से घुमा सकते हैं, हम इसको जोड़ सकते हैं कहाँ पे, हम इसको हाइड्रो पावर प्लांट में जोड़ सकते हैं। मतलब क्या हाइड्रो पावर प्लांट, क्या जैसे जो ऊपर से पानी गिरता है उस पानी के सामने इसको रख देंगे, तो पानी जब इसके ब्लेड पे गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी और साथ में कुंडली को भी घुमा देगी।
कहने का मतलब क्या है भाई, इस कुंडली को आप लोगों ने घुमाना ही पड़ेगा, मतलब इसको यांत्रिक ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। जब इसको यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी तभी ये घूमेगी, या तो ये घूम जाए या फिर मैग्नेट घूम जाए अपनी जगह से, दोनों में से कोई एक का चलना जरूरी है, एक का अपनी जगह से विस्थापित होना जरूरी है, तभी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा और तभी इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अब कार्य विधि को समझ लेते हैं कि ये कार्य कैसे करेगा। हमें चाहिए विद्युत, तो विद्युत चुंबक, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कुंडली को इन दोनों चुंबक के बीच में घुमाया जाएगा। अब घुमाने का कोई भी तरीका अपना सकते हो, तो कैसे घुमा सकते हो, तो भाई कुंडली को तो घुमाया ही जाएगा और घुमाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हो जैसे कि मैंने बताया। अब घुमाएंगे तो इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाएगी, जब इसको यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी और इसको घुमाया जाएगा बाहर से, तो ये उस यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग करके क्या उत्पन्न करेगा, ये विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। अब कैसे उत्पन्न करता है, देखो अभी देखो, इन दो चुंबक के सिरों के बीच चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होती है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, विद्युत चुंबक के क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण के ध्रुव की तरफ मानी जाती है। अब जब ये कुंडली घूमती है, मान लो हम इस कुंडली को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब है ये कुंडली ऐसे ऐसे घूम रही है। अब ये कुंडली अगर ऐसे ऐसे घूम रही है, देखो ये तो 2D में बना हुआ है, ये बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। अब ये हकीकत में क्या है, यहाँ एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, या ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे है, और ये कुंडली ऐसे रखी हुई है इसके अंदर, तो ये कुंडली ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है ना, तो ये कुंडली ऐसे ऐसे घूमेगी, तो इसके ये तो चालक है, कुंडली चालक ही है, तो इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होगा तो हम पढ़ चुके हैं किसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, कि जब किसी चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो अब देखो ये जो चालक, इसको देख लेते हैं ए बी सिरे को, जब ये ऊपर चलेगा ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं इस प्रकार से, तो जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल, मतलब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार, अब इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो देखते हैं हम लगाते हैं क्या, फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल लगाओ। इसने उस रूल के अनुसार हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली, मध्यमा मतलब दूसरी उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो ये जो बीच वाली उंगली है ये हमें क्या बता देगी, ये बता देगी, तो बीच वाली हमें उंगली क्या बताएगी, उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा। अब देखो इस पे लगाते हैं हम क्या, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाते हैं, हमने अपने दाहिने हाथ की पहली उंगली दूसरी उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैला लिया कि वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, और ये देखो ऐसे घूम रही है ये ऐसे, तो अंगूठे को रखो क्योंकि ये ऊपर उठ के आएगी ना, ऐसे ऐसे घूमेगी तो ये वाला भाग ऊपर उठ के आएगा, तो अंगूठा है चालक की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा हो गया इसके ऊपर की तरफ आएगा तो अंगूठा हो गया चालक की दिशा में, तो ये जो उंगली है बीच वाली ये किसको बताएगी, इस चालक में उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा बताएगी, तो विद्युत धारा कहाँ उत्पन्न होगी, ऊपर की तरफ इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, मतलब विद्युत धारा ये जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ये कनेक्ट है इसके साथ, तो यहाँ से होती यहाँ जाएगी। अब हम पढ़ चुके हैं जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये तो ऊपर आएगा और ये जो ये सिरा है जो ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब जब ये सिरा नीचे जाएगा तो ये तो विपरीत दिशा होगी, और हम पढ़ चुके हैं जब चालक की दिशा बदल जाती है तो उसमें उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा भी बदल जाती है, तो इस भाग में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इसमें अगर ए से बी है इस साइड है तो इसमें क्या होगी, वो इस साइड होगी, ठीक है भाई। अब ये पता चल गया हमें कि इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है, इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है। अब यहाँ से ये विद्युत धारा ऐसे होती हुई ऐसे आगे बढ़ेगी। अब हम इस विद्युत धारा का प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी अपने काम के लिए, किसी भी लोड के साथ, मतलब आपने जो चीज चलानी है, मान लो ये थर्मल पावर स्टेशन में काम हो रहा है तो इस बिजली को आप लोगों ने भेज देना है किसके पास, ये विद्युत धारा को भेज देना है कहीं पे भी जहां आपको इसकी जरूरत है, ये कर दिया भाई,
ये भेज दिया, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, तो मतलब क्या आएगा, ये आगे हमने कनेक्ट कर दिया किसी भी चीज के साथ या बल्ब के साथ, समझ लो। ठीक है, इस प्रकार से। अब लेकिन मान लो आपने इसको सीधे कनेक्ट कर दिया, तो जब ये कुंडली घूमेगी तो ये जो वायर हमने अटैच की है किसको प्राप्त करने के लिए, विद्युत धारा को प्राप्त करने के लिए, ये तो कुंडली के साथ ही घूम जाएगी। मतलब ये सारे की तार, तार या जो ये जो तार हमने लगाई है ये तो सारे की सारी लिपट जाएगी। मतलब कहने का ये अरेंजमेंट ठीक नहीं है, हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो हम दूसरे तरीके से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें क्या अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो हमें करनी पड़ेगी भाई ये देखो, ये हमें एक वलय लगाना पड़ेगा इसमें। वलय इसको क्या कहेंगे हम, वलय, वलय का नाम रख सकते हो आप कोई भी वलय, इसका नाम रख दिया हमने एक्स, एक्स वलय है ये, ये वलय, ये जो तार है ये वाली, ये अंदर आके इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है, और ये जो तार है ये इसके अंदर से होती हुई ये आगे निकल गई है इस प्रकार से, ये आगे चली गई इसके अंदर से होती हुई, याद रखना ये इसके अंदर से होती हुई आगे निकल गई है, और यहां पे दूसरा वलय है, ये दूसरा वलय है, दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, ये दूसरा वलय है, इसको ऐसे बनाएंगे, ये वलय, और ये जो तार आई है इसमें से ये इसके साथ जुड़ी हुई है यहां पे इस वलय के साथ, तो ये दूसरा वलय हो गया, ये एक वलय हो गया, इसका नाम x है, और इसका ये वलय जो इसका नाम है y। अब हम अब साथ में जब ये कुंडली घूमेगी तो ये वलय ये भी साथ में दोनों घूमेंगे। अब जब विद्युत धारा यहां से होती है ऐसे आएगी वो इसमें आएगी, अब इसमें से कहां भेजेंगे उसको, हम इसमें से इसके साथ एक ब्रश को जोड़ देंगे, ये ब्रश अटैच कर दिया हमने, ठीक है, ये वैसा ही ब्रश है जो मैंने मोटर में बताया था भाई, ये इसके साथ रगड़ खाएगा सिर्फ, मतलब ये ब्रश, ये B2 यहाँ एक ब्रश और होगा, ये वाला ये ब्रश लगा हुआ है यहाँ पे, इसका नाम है B1। ये ब्रश ऐसे हैं, ये इस कुंडली के साथ नहीं घूमेंगे, ये फिक्स रहेंगे, ये सिर्फ इसके संपर्क में रहेंगे, मतलब इसके साथ ये रगड़ खाएंगे, क्यों, ताकि इसमें उत्पन्न जो विद्युत धारा है वो इसमें से होती हुई आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे वायर जुड़ी हुई है भाई, और एक वायर यहाँ इसके साथ जुड़ी हुई है, आगे हम इनको जोड़ सकते हैं या बल्ब को जोड़ सकते हैं भाई, ठीक है, ये जोड़ दिया हमने, दिखाई दे रहा है, ठीक, ये इस प्रकार से जुड़ी हुई है, ठीक ठीक है। अब देखो क्या हुआ, विद्युत धारा आई कहाँ से, इसमें से आई ऐसे होती हुई, और ये जो तार है इस वलय के बीच में से, दो वलय हैं। अब बनावट में आप लोगों को ये वलय बनाने पड़ेंगे, पहले स्टार्टिंग में मैंने नहीं बनाए थे, वो सिर्फ समझाने के लिए। तो ये वलय है, ये दूसरा वलय है, और ये ब्रश B2 है, ये ब्रश B1 है। अब जैसे विद्युत धारा इसमें से आएगी तो वो इस वायर से होती हुई, इसके बीच में से ये वायर है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कुंडली घूम रही है, साथ में ये वलय भी घूम रहा है और ये वाला वलय भी घूम रहा है, इससे क्या होगा, ये दोनों फिक्स हैं, तो ये बाहर वाले तो पूरा का पूरा ये जो वायर है ये ब्रश, ये तो फिक्स रहेंगे और ये अंदर की कुंडली घूमती रहेगी। घुमाने वाला कौन है, घुमाने वाला है भाई, इसके अंदर एक रोड लगी रहती है, वो रोड जैसे आपने विद्युत जनित्र देखा होगा ना, जो शादियों में और फंक्शन में लेके आते हैं जिसको, उसके साथ एक इंजन जुड़ा होता है, उस इंजन को स्टार्ट करते हैं तो एक रोड के साथ एक साथ में विद्युत जनित्र रखा होता है, वो रोड उस विद्युत जनित्र के अंदर कुंडली को घुमाता रहता है, तो इसमें एक रोड लगी होती है, वो मैंने नहीं बनाई सिर्फ आसानी के लिए, मतलब दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अब विद्युत धारा इसमें से आई, वो इसमें से होती हुई ऐसे और इस ब्रश में से होती हुई चली जाएगी जहां उसका प्रयोग करना है, और यहां से आती हुई वापस इसमें से, इस प्रकार से, ठीक है, ये तो होगा। अब
जब ये ऐसे घूम जाएगी इसके आधे टर्न के बाद, मतलब क्या, जब ये ऐसे घूमगी तो ये वाला सिरा जो है ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला सिरा यहाँ पहुंच जाएगा, समझ रहे हो कैसे? ये देखो यहाँ आ जाएगा B, यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा D और यहाँ आ जाएगा C। और ये जो घूम के गया था, देखो ये विभक्त वाला जो है ये पूरी की पूरी रिंग घूम जाती है, और जो ये ये आ जाएगा यहां पे इस प्रकार से, और ये पहुंच जाएगा, ये इसके अंदर से होता हुआ ये आ जाएगा यहां पे। ये कब होगा? ये होगा भाई एक टर्न, आधे टर्न के बाद, आधे चक्कर के बाद। अभी स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था जो विद्युत धारा आई थी वो इसमें से होती हुई और इसमें से गई थी, देखो बी टू कैसे गई थी, वो कैसे गई मतलब इसमें पैदा हुई, ए बी सी डी, डी से होती हुई थी बी टू में और फिर बी वन में, ऐसे आई थी ना बी टू में। अब जब आधा टर्न ये पूरा कंप्लीट कर लेगा तो अब ये आगे सी डी यहाँ पे पहुंच गया और ए बी यहाँ पे पहुंच गया, अभी भी ये क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। अब इस सिरे पे सी डी पे अब बल तो इस पे ऐसे ही लगेगा ऊपर की तरफ, तो इसमें विद्युत धारा ऊपर ही पैदा होगी, ठीक है, और इसमें विद्युत धारा नीचे पैदा होगी। अब ये जो ए बी सिरा था ये तो इस वाले के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो विद्युत धारा अब कहां से कहां जाएगी? हाफ टर्न के बारे के बाद क्या होगा वो बता रहा हूं मैं। तो अब विद्युत धारा ये आएगी किस में से? डी सी बी ए, ए से ये देखो ये विभक्त बल है ये इससे जुड़ी हुई है, इसमें से करंट होता हुआ जाएगा किसमें? इस ब्रश बी वन में, बी वन, और फिर वापिस आएगा इसमें बी टू में, बात समझ में आ गई आधे टर्न के बाद। फिर जब एक कंप्लीट टर्न हो जाएगा तो कंप्लीट टर्न होने के बाद दोबारा से ए यहां जाएगा, बी यहां जाएगा, सी यहां जाएगा, डी यहां जाएगा, ठीक है, और ये जो ए जुड़ा हुआ था ये जो सिरा था ये वाला भी, तो ये तो डी वाला भाग था, ये वाला भाग भी कहां जाएगा? तो ये डी वाला भाग ऐसे अंदर से होता हुआ अब यहां आ जाएगा, और इसका जो भाग था वो दोबारा से यहां आ जाएगा इस प्रकार से। अब फिर से विद्युत धारा कैसे जाएगी? ए बी सी डी और बी टू में जाएगी, भी याद रहना अब, क्योंकि ये यहाँ बीच में वैसे ही दिखा, ये बीचों बीच निकला हुआ, इससे आगे इसमें जाएगी दोबारा से किसमें? ए बी सी डी बी टू और बी वन, बस समझ आई। आधे टर्न के बाद फिर किसमें से जाएगी? बी सी बी ए बी वन और बी टू। कहने का मतलब क्या है? एक टर्न में विद्युत धारा ने दो बार अपनी दिशा बदली, एक टर्न कंप्लीट करने, देखो एक चक्कर पूरा करने में विद्युत धारा ने अपनी दिशा को दो बार बदल लिया, पर कुछ सेकंड के बाद ये देखो इसमें विद्युत धारा बनेगी तो एक बार तो इसमें से आएगी फिर इसमें से आएगी, तो बार बार अपनी दिशा बदल रही है, जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वो अपनी दिशा को बार बार बदल रही है। और वो कौन सी विद्युत धारा होती है जो अपनी दिशा को बार बार बदलती है? वो होती है भाई प्रत्यावर्ती धारा, मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट। इसलिए ये जो विद्युत जनित्र है ये एसी पैदा करेगा जिसको प्रत्यावर्ती धारा बोला जाता है, तो इस जनित्र को बोला जाएगा एसी जनित्र या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ठीक है भाई, बात समझ में आएगी। अब जो हम लार्ज स्केल पे विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो कुंडली है वो इतनी हैवी प्रयोग की जाएगी कि उसको घुमाना बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे साइडों में जो कुंडली होती है वो तो फिक्स कर दी जाती है, और जो मैग्नेट होती है उसमें वो मैग्नेट इसके अंदर डाल के मैग्नेट को घुमाया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जनरेटर होते हैं बहुत काफी हैवी, तो उनमें मैग्नेट घूमता है, तो वो मैग्नेट जब विद्युत धारा पैदा करता है तो उस विद्युत धारा को पैदा करने के लिए कुंडली फिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक कुंडली दिखाई दी, बहुत ज्यादा कुंडलियों की संख्या उसमें बनाई जाती है तो और उसके अंदर चुंबक को घुमाया जाता है, और ये जो इसमें
ये जो टर्न करता है तो ये एक सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट करता है। जो इंडिया में ज्यादातर प्रयोग बनाई जाती है एसी, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लगभग भाई 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में ये एक सेकंड में 50 टर्न कर लेता है, 50 चक्कर लगा लेता है अपने। तो अगर आपसे कोई पूछे जो एसी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं उसमें कुंडली कितने चक्कर लगाती है एक सेकंड में, वो 50 चक्कर लगाती है, या ये कहो कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है, तो वो है 50 हर्ट्ज। अब उसने चक्कर लगाए 50 और एक चक्कर में दिशा कितनी बार बदली, एक चक्कर में दिशा बदली 2 बार, ठीक है ना। एक सेकंड में 50 चक्कर लगाए और एक सेकंड में दिशा कितनी बार बदली है, 2 बार, तो एक सेकंड में वो दिशा कितनी बार बदलेगा, 100 बार, 100 times, या ये कह लो कि प्रत्येक 1/100 सेकंड में वो अपनी दिशा बदल लेगा, मतलब प्रत्येक 100वें हिस्से में, सेकंड के 100वें हिस्से में उस विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी, ठीक है भाई। तो ये था हमारा क्या, एसी जनरेटर, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो भाई ये तो एसी जनरेटर है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। अगर आप लोगों को बनाना पड़ जाए दिष्ट धारा जनित्र, अब दिष्ट धारा कैसी होती है, ऐसी धारा जो अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, मतलब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे इसकी तो दिशा प्रत्येक एक सेकंड के 100वें हिस्से में बदल रही है, लेकिन जो दिष्ट धारा होती है उसकी दिशा नहीं बदलती। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ तो 2 वलय का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, एसी जनरेटर के लिए। अगर हम दिष्ट धारा जनित्र बनाना चाहते हैं तो उस समय हमें ये 2 वलय नहीं बना, 2 वलय, देखो ये वलय है और एक होता है विभक्त वलय, विभक्त वलय, विभक्त वलय का मतलब होता है बीच में से टूटी हुई रिंग होती है जो वो। तो दिष्ट धारा जनित्र बनाने के लिए हम विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं, उसमें कंप्लीट वलय का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उसमें क्या किया जाएगा, उसमें इस प्रकार से दो ये होता है, ये बनाया जाएगा भाई इस प्रकार से, उसमें विभक्त वलय का प्रयोग किया जाता है और ये जो वायर है इसमें ये यहाँ जुड़ा हुआ है, इसके अंदर से आके ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये होगी भाई विभक्त वलय। ये दो क्या है, विभक्त वलय है, ये एक्स और ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और इनके साथ हम ब्रश को जोड़ देंगे, ये एक ब्रश यहाँ जुड़ा हुआ है B2 और एक ब्रश यहाँ पे जुड़ा हुआ जो रगड़ खाने के लिए है सिर्फ, ये है B1 और इसको हमने आउटर सर्किट से जोड़ दिया है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये दिष्ट धारा कैसे उत्पन्न करेगा, जब इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो ये विद्युत धारा ऐसे जाएगी इसमें से और इसमें B2 के साथ, तो विद्युत धारा की दिशा होगी ये, ठीक है। अब आधे सेकंड के बाद, आधे चक्कर के बाद जब ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये घूम के और यहाँ आ जाएगा, हाँ ठीक है, जब ये घूम के ऐसे टर्न कर जाएगा तो ये वाली कुंडली इस साइड आ जाएगी और ये वाली कुंडली उस साइड चली जाएगी। तो देखो ये कुंडली यहाँ आ जाएगी और ये उस साइड चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा DCA, आधे चक्कर के बाद बता रहा हूँ मैं, B और ये A, ठीक। B1 यहीं पर रहेगा, B2 ब्रश, क्योंकि ये नॉन मूवेबल है, ये नहीं चलते, ये आ गया। तो अब इसमें विद्युत धारा तो ऐसे ही उत्पन्न होगी, हम पढ़ चुके हैं राइट हैंड थंब रूल से, तो विद्युत धारा ऐसे ही जाएगी और किसमें से होती जाएगी, B2 से ही। पहले टर्न में भी तो B2 से ही होती हुई गई थी, ब्रश B2 से ही, और आधे चक्कर के बाद भी फिर से आई, फिर कंप्लीट चक्कर जब हो जाएगा तो A यहाँ पे आ जाएगा, B यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा और D यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी ये यहाँ से होते हुए यहाँ से B2 से, ठीक है। ये स्प्लिट रिंग यहाँ आ जाएगी फिर जब एक चक्कर लगता है, तो ये जो दो है ये सिर्फ अपनी पोजिशन बदलती रहेंगी लेकिन B2 और B1 फिक्स रहेंगे, तो हमेशा विद्युत धारा A की दिशा में बहती है। बस एक अंतर करना है कि हमने
दो वलय के स्थान पर एक विभक्त वलय का प्रयोग करना है, किसके लिए? दिष्ट धारा जनित्र के लिए। ठीक है भाई, तो ये था हमारा विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो आज के लिए हमारा इस वीडियो में यही था, बस इनको समझना है। सिद्धांत पेपर में आता है, बनावट भी आ जाती है, कार्यविधि भी आ जाती है, 5 नंबर में भी आ जाता है, कई बार इसके अलग अलग भागों के कार्य भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।